अगर हम रामायण के किसी पात्र के बारे में सोचते हैं तो क्या हमें महाभारत का कोई पात्र नजर आता है? या फिर जब हम महाभारत के किसी पात्र के बारे में सोचते हैं तो क्या रामायण का कोई पात्र हमारी नजरों के सामने आ सकता है? नहीं ना। तो फिर अगर आपके सामने एक ऐसी पेंटिंग आ जाए जिसमें सीता माता हाथ जोड़े हुए धरती के अंदर प्रवेश कर रही हैं और सामने कृष्ण भगवान उनको क्रोधित नजरों से देख रहे हैं, अजीब है ना। ये पेंटिंग बहुत महत्व रखती है हमारी आज की मूवी में जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो अंडररेटेड सीरीज में पहली अंडररेटेड मूवी के तौर पर आप सबके सामने मैं लेकर आया हूँ राजेश गांगुली द्वारा लिखी और निर्देशित की गई ब्लू ऑरेंजेस। ये मूवी इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें सालों बाद एक बार फिर से हमारे प्यारे सत्यन देशी अथवा जासूस ब्योमकेश बख्शी यानी कि रजत कपूर फिर से सत्यन देशी यानी कि सत्य की खोज करने वाले का किरदार निभा रहे हैं। नई इस फिल्म में वो जासूस नहीं बने हैं बल्कि एक वकील बने हैं जिसका नाम है नीलेश भार्गव। ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में रजत कपूर के अलावा पूजा कंवल, हर्ष छाया, रति अग्नोत्री और अहम शर्मा ने मुख्य किरदार निभाए हैं। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। 8 साल पहले शालिनी चौहान यानी कि पूजा कंवल और केविन यानी कि अहम शर्मा दोनों ही पेंटर थे और एक दूसरे को चाहते थे। शालिनी के पिता जनक राज चौहान पैसे वाले हैं जो कि नहीं चाहते शालिनी की शादी एक पेंटर से हो जो कि पेंटिंग्स बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता है। फिल्म की कहानी 8 साल आगे चली जाती है और फिर होता है एक मर्डर। ये मर्डर होता है शालिनी चौहान यानी कि पूजा कंवल का। मुख्य अभियुक्त के तौर पे पूजा के 8 साल पुराने बॉयफ्रेंड केविन तरवासो को गिरफ्तार किया जाता है जो कि कथित तौर पर शालिनी की हत्या के समय वहीं पर मौजूद था और उसको घर के पास दुकान लगाने वाले राम प्रसाद ने साफ साफ देख लिया था। पुलिस क्राइम स्पॉट पे छानबीन कर रही है और वहां उनको एक पेंटिंग भी मिलती है जो कि हिंदू मैथोलॉजी से संबंध रखती है मगर कुछ अजीब सी है। इस पेंटिंग में सीता माता जो कि दोनों हाथ जोड़े हुए धरती के अंदर जा रही हैं और उनके सामने गुस्से की मुद्रा में भगवान कृष्ण खड़े हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस केविन को तुरंत अरेस्ट करती है और उस पर शालिनी की हत्या का मुकदमा शुरू होता है। अदालत की कार्यवाही में यह पता चलता है कि शालिनी एक पेंटर थी और उसकी पेंटिंग खरीदने को लेकर अक्सर उसके घर लोगों का आना जाना लगा रहता था मगर कुछ लोग हैं जिनका उसके यहाँ आना कुछ अलग तरह का था। इसमें से एक है अभिषेक मेहरा नाम का एक लड़का और दूसरा है पायलट अनुराग दीक्षित। रामप्रसाद का कहना है कि शालिनी की हत्या वाले दिन अनुराग भी शालिनी से मिलने आया था। वो अनुराग की नीली कार का नंबर भी बताता है मगर अनुराग का ये कहना है कि वो उस दिन शालिनी के यहाँ नहीं गया था। अनुराग दीक्षित के बड़े भाई पुलिस कमिश्नर दीक्षित को ये पता है कि अनुराग के शालिनी के साथ संबंध थे और वो नहीं चाहते कि यह बात बाहर आए, इसलिए वो जाते हैं एडवोकेट नीलेश भार्गव के पास और नीलेश से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस केस की छानबीन करें। अब हमारे प्यारे ब्योमकेश बाबू यानी कि नीलेश भार्गव इस केस की तफ्तीश शुरू करते हैं। उनको केविन ये बताता है कि वो और शालिनी 8 साल पहले तक एक दूसरे से प्यार करते थे मगर शालिनी के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और इसलिए वो दोनों अलग हो गए। अब 8 साल बाद अचानक दोनों की फिर से मुंबई में मुलाकात हुई। केविन शालिनी की हत्या के एक रात पहले शालिनी से मिलने गया था। उसने देखा कि शालिनी को शराब की लत है और इसके अलावा एक लड़का भी वहां शालिनी के साथ था जिसका नाम अभिषेक था। केविन की शालिनी से हल्की फुल्की बहस होती है और फिर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह फिर वो शालिनी से मिलने आता है और तब देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और घर के अंदर जाके देखता है तो उसको शालिनी फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई दिखाई देती है। वो शालिनी के पास उसको देखने पहुंचता है कि तभी रामप्रसाद आ जाता है जो कि ये समझता है कि केविन ने ही शालिनी को मारा है और खून खून चिल्लाने लगता है। रामप्रसाद की ही गवाही पर केविन को शालिनी की हत्या के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है। नीलेश एक काबिल वकील है और कमिश्नर दीक्षित का पुराना जानने वाला है। तभी कमिश्नर दीक्षित केस की तफ्तीश के लिए नीलेश के पास जाते हैं। नीलेश अपने घर में अपनी अपाहिज बेटी रुद्रा के साथ रहता है जो कि ना तो चल सकती है और ना ही बोल सकती है। रुद्रा की यह हालत 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई थी जिसमें नीलेश की पत्नी और इन-लॉज की मृत्यु हो गई थी। अब पुलिस के अलावा नीलेश भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और वो शालिनी के मकान मालिक गोयल जी से भी मिलने जाता है जिनका बेटा हरिप्रसाद बीकॉम स्टूडेंट है और उसको नशे की आदत है। इस बीच पायलट अनुराग की पत्नी नीलेश से मिलने आती है जिसको पहले से ही पता है कि अनुराग का शालिनी के साथ संबंध था मगर उसको यह भी यकीन है कि अनुराग ने शालिनी को नहीं मारा है। नीलेश अभिषेक से भी पूछताछ करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि अभिषेक इस वारदात में शामिल है या नहीं,
क्योंकि शालिनी की मौत के एक रात पहले जब शालिनी और केविन की आपस में बहस हुई थी तब अभिषेक वहीं पर था और फिर कुछ देर तक अपनी रेड मर्सिडीज में शालिनी के घर के बाहर रुका था। इसके बाद वो शालिनी के मकान मालिक और उनके बेटे हरिप्रसाद से भी पूछताछ करता है। इन्वेस्टिगेशन तेजी के साथ आगे बढ़ती है और इसी बीच कहानी में एक और मौत होती है और फिर शालिनी की हत्या का सच सबके सामने आता है जो कि चौंकाने वाला है और भगवान कृष्णा और सीता माता की पेंटिंग का रहस्य भी खुलता है। आगे की कहानी जानने के लिए ये फिल्म जरूर देखें। इस फिल्म को अभी तक 210 यूजर्स ने IMDb पर 6.4 रेटिंग दी है और ये फिल्म YouTube पर Before You के चैनल्स पर उपलब्ध है।